नमस्कार दोस्तों, बिज इंडिया में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक और एफएल इंडिया के बारे में। देखिए, एफएल इंडिया में क्या है कि सुबुगाहट शुरू हो चुकी है 6000 के लिए, 6000 टारगेट के लिए सुबुगाहट शुरू हो चुकी है एफएल इंडिया में। देखिए, एफएल इंडिया में क्या है, हमने 3 वीक पहले ही बोला था भाई, जो मेरा टारगेट होगा यहाँ पे 6000 होगा, और सुबुगाहट शुरू हो चुकी है और अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका है। और आप देखेंगे इस पे मैंने 2 या 3 वीडियो बनाया था, इसके पहले भी 1 वीक पहले भी बनाया था कि एफएल इंडिया में 6000 का टारगेट बनेगा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट पे कि क्या सुबुगाहट सच में स्टार्ट हो चुका है एफएल इंडिया में। देखेंगे एफएल इंडिया में जो इसका टारगेट है वो है 6000 का। ठीक, मेरा टारगेट है 6000 का, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं आज 5867 रुपये से टकरा के फिर से वापस आ गया। कितने पे? 65.6 5762 पे आ चुका है वापस। तो कहने का मतलब है क्या ये 6000 को पार कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि देखिए, क्योंकि इस लेवल को ही तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है 5867 रुपये का कहीं लेवल तोड़ता है तो कल के दिन आपको डेफिनेटली 6000 का टारगेट मिलना चाहिए। कहीं 6000 का टारगेट मिलता है तो कल हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। क्योंकि जो होता है, देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है शेयर मार्केट में ट्रेड करने में। लोग क्या करते हैं, लोग लेते हैं स्प्लिट होने के लिए लेते हैं। स्प्लिट होने के लिए मतलब कि शेयर स्प्लिट होगा तो इतने बन जाएंगे, बट इसके पीछे की मैं रणनीति बताता हूँ। मेरी रणनीति क्या होती है, देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी रणनीति को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। देखिए क्या होता है कि जब इसमें न्यूज आया था, 1 महीने पहले न्यूज आया था कि एफएल इंडिया स्टॉक स्प्लिट करने वाला है, बट जब ये न्यूज आया तो इसमें क्या हुआ, तेजी देखने को मिला। फिर उसके बाद इसमें कंसोलिडेट हुआ, मतलब लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। तो फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे न्यूज आया था, यहाँ पे न्यूज आने के बाद गिरावट आई, फिर इसी जगह हमें क्या करना था, बाई करना था, तभी हमने यहाँ पे बाई किया। हमने बाई किया और बाई करके अभी भी होल्ड है मेरा। ठीक है, और होल्ड कब तक रहेगा, जब तक रिकॉर्ड डेट पास में ना आ जाए। 7 तारीख 7 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है, मतलब कल प्रॉफिट हम बुकिंग करेंगे। देखिए क्या होगा, जैसे कि स्प्लिट होता है स्टॉक, फिर उसमें क्या होता है, फिर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर उसमें गिरावट देखने को मिलता है कौन से स्प्लिट वाले शेयर्स में। तो वहां पे क्या होता है, आपका पैसा कम होगा, हो जाएगा, नो डेफिनेटली होगा, देख लेना मन चाहे। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो मैंने देखते आया हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा जब भी कोई न्यूज आता है, फिर न्यूज आने के बाद जब उसमें गिरावट आती है तब फिर मैं पोजिशन लेके बैठ जाता हूँ, जब तक कि रिकॉर्ड डेट पास में ना आ जाए। ठीक है, तो कल इसे मेरा 6000 का टारगेट है, 6000 का टारगेट पूरा होते ही मैं इसमें से निकल जाऊंगा एफएल इंडिया में। जब स्प्लिट हो जाएगा फिर गिरावट आएगी, फिर मेरे को लेना होगा तो फिर मैं वहां पे बाई कर लूंगा। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी इन एफएल इंडिया में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो इस पर मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाया था, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं जब इसमें सर्किट लगना शुरू होता है। देखिए आज देखेंगे एफएल इंडिया में अच्छा खासा सर्किट लगना शुरू हो चुका है। देखिए एफएल इंडिया में क्या है कि सर्किट लगना शुरू हो चुका है, बायर बायर है, सेलर नहीं है। फिर इसमें क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पे क्या, हमें हमेशा टेक्निकली सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पे आरएसआई लेवल क्या है, बहुत कम है। जब आरएसआई लेवल 80 के आसपास जाए तब आपको सोचना चाहिए क्या माल काट के निकल जाए, क्या ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तब वहाँ हमें माल काट के निकलना चाहिए। बट यहाँ पे क्या, माल काटना है, माल नहीं काटना, भले फिर से लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाए, माल काट के नहीं निकलना है। लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाए फिर बाई करो, क्योंकि बहुत अच्छा शेयर है, पैसा डेफिनेटली बना रहा है, वो बना के देगा। चलिए अब जान लेते हैं लेवल के बारे में। देखिए लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो उसका हाईएस्ट लेवल है 626 रुपये का, 626 रुपये का जब ये लेवल तोड़ेगा तो वो और ऊपर जाएगा, और जो उसके आने वाला लेवल है वो होगा आपका नेक्स्ट टारगेट, जो मेरा प्राइस है फिबोनाची टारगेट प्राइस जो इसमें निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका 780 रुपये। फिर उसके बाद आपका आएगा 810, 825, इस तरह का लेवल निकल के आएगा। जब तक आपको इसमें ट्रेड करना है, जब तक आरएसआई लेवल यहाँ पे 80 के आसपास ना आ जाए, ठीक, मतलब ओवरबॉट में जोन में ना आ जाए, तब तक आपको इसमें क्या करना, ट्रेड करते रहना है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत पैसा बना के देने वाला लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ठीक है, ये हमारा फाइंडिंग है। कहीं आपको मेरी फाइंडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर लाइक किया करिए, कमेंट, अपना सुझाव जरूर दिया करिए कमेंट में कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा है, नहीं है, खराब है, जो भी चीजें लगे आपको कमेंट में कमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, मुझे भी एनालिसिस करने का फिर से टाइम मिलेगा कि हाँ फिर से कुछ करना चाहिए इसमें।
तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा बनता है स्मार्ट तरीके से बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।